चलिए टू बी कंटिन्यू देखते हैं। हम टैक्स निकालना सीखते हैं। अब बीजेपी की गवर्नमेंट को लगभग 8 साल हो चुके हैं और 8 साल में फाइनेंस मिनिस्टर 3 बदल चुके हैं। सबसे पहले अरुण जेटली थे, फिर कुछ दिनों के लिए एक और फाइनेंस मिनिस्टर आए थे पीयूष गोयल के नाम से कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण। हर इंसान का अपना नजरिया होता है टैक्स को प्लानिंग करवाने का या टैक्स को लोगों को बताने का। जैसा निर्मला सीतारमण ने 2 टैक्स रेट निकाल दिए, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। हम अभी कौन सा रिजिम कर रहे हैं? ओल्ड वाला, ठीक है ना। बीच में 2.5 लाख रुपए, पता है ये कब से चल रहा है? 2.5 लाख रुपए तक नील। 2000 मान के चलो, पहले 2 था, फिर इसको 2.5 किया गया। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 2009 या 10 के आसपास, यानी 22 साल से मतलब के 2009, 10, 12, 13 साल से और ऑलमोस्ट 10 साल से यही चल रहा है। 2.5 लाख रुपए तक जीरो और इससे ये बात सही है कि 8 साल पहले 2.5 लाख कमाना बहुत बड़ी बात था, लेकिन आज के टाइम पे 2.5 लाख रुपए कमाना साल का बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि सैलरी भी 10 साल पहले सैलरी कम हुआ करता था लोगों का, आज लोगों की सैलरी ज्यादा है। हर बार सैलरी वाले पर्सन जो सैलरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका यही सरकार से उम्मीद होता है कि हमें टैक्स में रिलीफ दी जाए, हमें टैक्स में छूट दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, बोला चलो 2.5 लाख रुपए तक नील है, पहले ये 10% हुआ करता था, तो गवर्नमेंट देखो हर बार चेंज किया। सबसे पहले ये 10 हुआ करता था, समझना बैकग्राउंड कैसे कैसे हुआ। पहले ये 10 हुआ करता था, लोगों ने बहुत जोर शोर से अपोजिशन पार्टी ने मुद्दा बनाया, टैक्स रेट में कुछ भी नहीं दिया। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स देता है ना, तो अपोजिशन पार्टी का देखना, जो बजट लेके आएंगे ना, इस बजट में तो कुछ है ही नहीं, गरीबों के लिए कुछ ही नहीं है, अमीर को बांट दिया गया है सब कुछ, गरीबों के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो गरीब का मतलब क्या है? सैलरीड पर्सन, ठीक है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, बकवास बजट है ये। क्योंकि अपोजिशन क्या करते हैं, अपोजिशन ना हो तो आपको बेहतर मान के चलते हैं कि अच्छा पॉलिटिक देखने को भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा उसकी कमियां निकालता है तो वो सुधारता है। तो भाई फिर एक बार बजट दिया, कोई टैक्स रेट में चेंज नहीं है, लोगों ने मुद्दा बनाया, तो फिर अगले बजट में उन्होंने क्या करा, अब 10 नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कितना कर दिया उसने? 5। 10 से कितना करा? 5, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत दिनों तक यही चलता रहा, यही आता रहा। फिर लोग बात कह रहे हैं अब कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेकार बजट है, एक सैलरीड पर्सन के लिए कहां से करेगा, कैसे करेगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, एक अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया जो वही दिमाग क्या लगाया था वो सीखेंगे। गवर्नमेंट ने बोला 5 लाख रुपए तक टैक्स होगा अब जीरो, कोई भी व्यक्ति हो 5 लाख रुपए तक होगा टैक्स जीरो। लेकिन अगर किसी की इनकम 5 लाख 1 रुपया हो जाता है तो फिर वो 2.5 से 5 तक भी टैक्स देगा। यानी कहने का मतलब है सर, सिंपल सा उसने गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला, देखो गवर्नमेंट अपना तो सोच ही रही थी बस मुझे एक बजट में बोलना है, उसने बोला अब 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5 लाख 1 रुपए भी होता है ना आपका, 5 लाख 1 रुपए भी अगर हो जाए तो आपको इसी कैटेगरी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। रूल ये निकाला। अब ये समझ लो कुछ लोगों को बेनिफिट मिला है, आपकी इनकम 3 लाख है, ओके, आपकी इनकम 4 लाख है, ओके, आपकी इनकम 4.5 लाख है, तब भी आप खुश हो। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 5 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगा तो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 5% का तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और उससे ऊपर पे हम सारी कैलकुलेशन आराम से सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि लोगों की इनकम को निकाला कैसे जाता है, हम पहले वो सीखेंगे कि कैसे लोगों की इनकम को निकाला जाता है। फिर एक इनकम को लेके और डिफरेंट इनकम को लेके हम सारे स्लैब रेट को यूज करना भी सीख लेंगे आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनकम अगर किसी का निकालने को बोला जाए ना, तो हम सीखते हैं क्या इनकम कैसे निकाला जाए। सर अगर किसी का भी इनकम निकाला जाता है ना, तो इनकम आपका फॉर्मेट देखिए ये रहेगा, वैसे अभी जरूरत है नहीं फॉर्मेट का, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेट लेके चलेंगे ताकि आगे तो फॉलो करना ही है ना। ये फॉर्मेट रहने वाला है हमारा। और फॉर्मेट बेसिकली ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये आपके थोड़े आसानी हो जाए काम इसलिए पर्टिकुलर। और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मिस्टर एक्स, एक व्यक्ति है, उसका टैक्स निकालने को बोला जाए। तो टैक्स क्या निकालना है? टोटल टैक्स। यहां पे टोटल को निकालने को कंप्यूटेशन बोलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स। हम इस किसके टैक्स निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन, टोटलिंग किसका कर रहे हैं हम? मिस्टर एक्स। तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं सारी चीजें, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे टोटल टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स, यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लॉ में, कंप्यूटेशन। ठीक है ना, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स। और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम फॉर, हमेशा टैक्स निकाला जाता है, ए वाई लिख रहा हूं मैं, ए वाई स्टैंड फॉर असेसमेंट ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर मैंने ले लिया 2023 और 24 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, 22-23 का रहेगा हमारा, 23-24 ले लिया। सबसे पहले किसी का भी निकालोगे तो ऊपर ये लिखना है। बेसिक सी चीजें, सिंपल सी चीजें, लेकिन बड़ी काम की चीज है। बच्चे पूरा तो सीख लेते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग भूल जाते हैं, एग्जाम में मार्क्स कट जाता है उसकी वजह से। अब सैलरी के 5 सोर्स थे। सबसे पहला सोर्स हमारा जो यहां पे रहेगा, पॉइंट नंबर 1 इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सबसे पहले सैलरी का होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते जा रहा हूं, मान लेते हैं सैलरी की इनकम 5 लाख है, ठीक है ना। लेकिन सर सैलरी की इनकम 5 लाख कैसे हुई? ये आपको चैप्टर है, पूरा सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल सैलरी का वर्किंग नोट दिखाऊं। सैलरी इनकम जो निकाला जाएगा ना, कैसे निकालेंगे सैलरी इनकम? जैसे निकलेगा सबसे पहले सैलरी, मान लो 5,50,000 है, इसमें से माइनस हो जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, 50,000 रुपए का डिडक्शन हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा टैक्सेबल सैलरी जो कि है 5 लाख। सर हमें कैसे पता चलेगा ये डिडक्शन क्या है, माइनस कैसे करेंगे, नहीं करेंगे? यही तो सैलरी के चैप्टर में पूरा सिखाएंगे। जब सारा कुछ माइनस प्लस कर लेते हैं तब जाके यहाँ पे आता है एक सैलरी इनकम, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 चेक करेंगे क्या आप कहीं और से भी इनकम कमा रहे हैं। जैसे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, याद होगा, रेंटल इनकम, मान लेते हैं 2 लाख। उसके बाद क्या आप कहीं से और इनकम कमा रहे हो? यानी हर व्यक्ति अपने 5 हेड जो 5 करे थे हमने, 5 कौन से, जो 5 हेड बताए थे, उस 5 हेड को पहले ऑब्जर्व करेगा कहां कहां से इनकम है, पहले वो लिखेंगे। जैसे मैंने बोला इनकम फ्रॉम, और फ्रॉम नहीं लिखना, फ्रॉम लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख रहा हूं इनकम अंडर द हेड। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं PGBP। सर ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन प्रॉफिट गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप सिंपल सा, इतना दिमाग में क्यों जोर डालना, बिजनेस के इनकम अलग हो गया ना, वो सिंपल बिजनेस का इनकम। अब सर चौथा भी कोई इनकम हो सकता है, व्यक्ति का क्या हो सकता है? मान लेते हैं ये इनकम इसका था 1 लाख रुपए का लॉस था इसका, इसमें तो प्रॉफिट नहीं कमाया उसने, 1 लाख का लॉस करके बैठ गया बिजनेस में। अगला है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर ये क्या होता है कैपिटल गेन? मान लेते हैं इसमें इसका कोई रोल ही नहीं था, इसने कोई ना तो खरीदा एसेट्स ना तो बेचा, निल। अब बात करते हैं पांचवा इनकम। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्स अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना मेरा नहीं है, किसी ना किसी का तो होता ही, कहीं ना कहीं तो ब्याज का तो होता ही है। मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए ये था अदर सोर्स में। अदर सोर्स में हो सकता है इसकी लॉटरी लगी हो सकता है इसका ब्याज का इनकम हो सकता है इसका डिविडेंड का इनकम हो, बहुत सारे इनकम होते हैं, वो सारी हम लिस्ट देखेंगे। जैसे ही यहां तक पहुंचते हैं ना, इसके बाद हम निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको मैं आज के बाद कई बार जीटीआई भी बोल दूंगा, शॉर्ट फॉर्म है ग्रॉस टोटल इनकम। हम ये निकाल लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सर कितना होगा? देखो इसका ग्रॉस टोटल का मतलब अभी इस पर टैक्स नहीं देना, अभी कुछ बातें और हैं उसको माइनस प्लस करने के बाद टैक्स देना होगा। तो सर जीटीआई क्या आएगा? 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख और 3 10 लाख। लेकिन 1 लाख लॉस है तो उसको माइनस करना अलाउड है, 1 लाख लॉस है तो माइनस करना अलाउड है। तो 5 2 7, 1 लाख गए 6 और 3 कितने लाख आ गए? 9 लाख। यानी यहां से एक पॉइंट और हमें समझ में आया सर कि लॉस अगर होता है कहीं से तो हम उसे माइनस कर सकते हैं उस इनकम से। इसके ऊपर भी एक चैप्टर पूरा बना हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जो कि हम सीखेंगे अलग से। मैं हर बार बातें बताता जा रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं किसी बात के बारे में, पॉइंट के बारे में, इसके लिए चैप्टर है तो मैं समझ सकते हो, यहां पे सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो बड़े डिटेल में टॉपिक हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना सर। इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आगे ना, जैसे ये राम है, हम राम से बोलते हैं कि भाई तूने इनकम कितना कमा लिया। राम से बोला, इसने बोला कि तूने इनकम कमा लिया 9 लाख रुपए, अब इसके ऊपर टैक्स दे। राम बोलेगा सर मैं देश का नागरिक हूं, मैं देश में रह रहा हूं, आपने जितना पैसा कमाया मैं पूरा टैक्स दे दूंगा। और गवर्नमेंट ने अगर राम से बोला कि ठीक है तू एक काम कर, इसमें से तू 3 लाख या इसमें से तू 1 लाख रुपए की FD करा दे, तो तेरी इनकम मैं कर दूंगा 8 लाख। तेरी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो कि क्या रहेगा? 8 लाख। समझ रहे हो बात? तो राम क्या करेगा? झट से FD करवा देगा, पैसे तेरे पास ही रहेंगे। FD करवा के, ये नहीं मेरे नाम पे FD करवाना है, FD किसके नाम पे करवाना है? तुझे अपने नाम पे ही करवाना है। तो तेरी इनकम कर देंगे 8 लाख। अब मैंने बताया था जिसकी 5 लाख रुपए तक इनकम है उसको टैक्स देना है, नहीं देना? नहीं देना। तो अब ये क्या चाहेगा कि मेरी इनकम कितनी हो जाए? 5 हो जाए, जिससे कि मैं पूरा बच जाऊं। फिर गवर्नमेंट कहेगा तू मेडिकल वगैरह करवाता है, अपने माता पिता का ध्यान रख, इलाज करवा, तो मैं तुम्हें और माइनस करने का परमिशन दूंगा। इसने बोला करवाया, बोला चलो ठीक है 50,000 और माइनस करो। उसके बाद फिर ये अभी भी ये नहीं आया वहां तक। फिर गवर्नमेंट ने इससे बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, आपने क्या किसी डिसेबल पर्सन का जो कि हैंडीकैप है उसकी मदद की है, तो फिर हम और माइनस करने के लिए देंगे। अगर बोलता है कि हाँ जी 50,000 माइनस किया, मैं एग्जाम्पल लेता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो करेगा। उसके बाद बोलेंगे अच्छा तुमने किसी को चंदा वगैरह दिया है, डोनेशन वगैरह दिया है जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंडर, ये बोलता है हाँ मैंने डोनेशन दिया है, तो बोला और माइनस करने देंगे। अच्छा तुम बताओ पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा दे रहे हो, इसने बोला हाँ दे रहा हूं, तो और माइनस करने देंगे। मतलब इसके इनकम के बाद इससे छूट दी जाती है कि आप कहीं जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, अगर यहां आपने पैसे लगाए हैं तो हम आपकी इनकम को 9 लाख ना मान के उसमें से वो चीजें माइनस करना हम क्या कर देंगे? अलाउड, जिसको बोला जाता है डिडक्शन। यानी सर इस पे टैक्स नहीं देना, इसके बाद हमें डिडक्शन भी लगाना है, लेस कर देंगे हम डिडक्शन। और डिडक्शन हमारा गिवन है 80C से लेके 80U तक सेक्शन है हमारे, 80C से लेके 80U, जिसमें से मैंने बोला था FD करवा लो, तो ये आता है 80C के अंदर। मान लेते हैं FD करवाया था 80C के अंदर, इसने 1 लाख का डिडक्शन ले लिया। अब इसका इनकम कितना निकल के आया सर? अब इनका इसका जो भी इनकम निकल के आए वो होगा इसका टैक्सेबल इनकम। सर कितने रुपए का टैक्सेबल इनकम? अब इसे 8 लाख पे टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति का पूरा हमें टैक्सेबल इनकम है। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अभी हमने स्लैब रेट भी देख रखा है, आप सबने नोटबुक में नोट किया है, तो रखना। मैं यहीं पे इसका टैक्स का ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। थर्ड पॉइंट कौन सा है? ये पीजीबीपी, इसका बिजनेस था, इसने एक दुकान खोली और उस दुकान के अंदर इसको लग गया नुकसान, और नुकसान होते ही, लॉस होते ही उसने सारे इनकम में से एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी है बिजनेस में हमेशा फायदा कमाया जाए। और एक ही व्यक्ति है राम, ये क्या एक व्यक्ति बहुत सारे बिजनेस नहीं कर सकता? कर सकता है ये, ठीक है। पहले यहां तक बताइए आपको, किसी भी व्यक्ति का, मैं फटाफट से क्विकली एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, किसी भी व्यक्ति का इनकम निकालने का एक तरीका, क्योंकि मैं व्यक्ति पर्सन इसलिए बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल का ही सिलेबस में है हमारे। किसी भी इंडिविजुअल का सबसे पहले हम उसके इनकम को चेक करेंगे कि भैया तुम कहां से पैसा कमा रहे हो। सबसे पहला पार्ट होता है क्या हम सैलरी से कमा रहे हैं, चेक करेंगे। अगर कमा रहे हैं तो लिख लेंगे, और सैलरी में क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन लगेगा वो कहां पढ़ने वाले हम सैलरी चैप्टर में। उसके बाद चेक करेंगे भैया क्या तुम कहीं रेंट वगैरह तो नहीं आता, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो 0। उसके बाद चेक करेंगे तुम बिजनेस वगैरह तो नहीं कर रहे, अगर बिजनेस कर रहे हो तो दिखा दो प्रॉफिट या लॉस, अगर नहीं कर रहे तो 0। फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स, इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद सरकार ने जहां जहां पैसे खर्चने को बोला गया, अगर आपने उस जगह पे पैसे खर्च किए हैं तो आपको यहां से माइनस करने के लिए दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है डिडक्शन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? डिडक्शन। ये हमारा 80C से लेके 80U तक चैप्टर 6 का डिडक्शन होता है। जब ये भी पूरा एक चैप्टर है, इसमें से एक आपका क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप बोलोगे ना सर आप पेपर में क्या आएगा, थोड़ा मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट रहा हूँ, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत आने से। 15 का फिक्स आएगा ही आएगा। इसमें से आपका हाउस प्रॉपर्टी में से 10 का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। हाँ चैप्टर है सर ये पूरा। अगर आपने ये 5 चीजें कर ली ना, इनकम टैक्स खत्म। इन पीजीबीपी से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 6 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन से कितने का आएगा? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदर सोर्स से कितने का आएगा? 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सर डिडक्शन में से भी आएगा? यस, इसमें से भी चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। यानी ये अपने आप में क्या है? एक चैप्टर है। तो सर यहां से जैसे डिडक्शन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम। गवर्नमेंट बोलता है आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख है, चलिए आ जाइए आपका टैक्स निकालते हैं। पहले तो आपकी उम्र बता दें कितनी है। इसने बोला कि मेरी उम्र जो है, एज जो इसकी है वो है, मान लेते हैं कि 35 ईयर। अब 35 ईयर है तो इस पे स्लैब रेट कौन सा लगा देंगे हम? 1। पहले वाला स्लैब रेट 1 के हिसाब से बोलेंगे भाई अप टू 250, आप चेक करिएगा आपने लिखा है तो, अप टू 250 आपसे लेंगे 0, कोई टैक्स नहीं। लेकिन आपने जो नेक्स्ट 250 कमाए हैं, नेक्स्ट 250, इस पे आपका एट द रेट कितने परसेंट लगेगा? यानी सीधा बोले तो 12,500। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो 2.5 लाख से 5 लाख बोला था, यहाँ पे आप नेक्स्ट 250 लिख रहे हो। तो बात तो वही है ना, 2.5 लाख से 5 लाख की जगह पर रखें या फिर नेक्स्ट 250 बोले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख, इसके बाद तो 5 से 10 का स्लैब चलता है, तो नेक्स्ट 5 लाख। लेकिन इस बेचारे की इनकम ही 8 लाख है, तो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट 5 लाख नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट 3 लाख। इस पे कितने परसेंट लगेगा? 20%, मतलब 60,000 रुपए, ठीक है। अब 60,000 पे इसका आ जाएगा टोटल 72,500। ध्यान से देखिएगा टोटल क्या आ गया हमारा? 72,500। इसे टैक्स देना है टोटल 72,500 रुपए। अब 72,500 रुपए जो आपके टैक्स हैं, अभी ये पूरा टैक्स नहीं है, इसके अलावा हमें ने आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज दिए हैं। ये तो उसके लिए है, रोड ये उसके लिए है जो कि कॉमन आपको मिल रहा था। लेकिन आप सभी ने, मैंने वचन दिया था अपने मैनिफेस्टो में, मैंने बोला था मैं ये करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने घर से कहां से, नोट छापने की मशीन तो मेरे पास भी नहीं है, मैं आपसे ही लूंगा। तो इसके अंदर गवर्नमेंट आपसे लेता है बच्चों को पढ़ाने के अलग से और चार्ज, इसके अंदर लेता है क्लीन गंगा के नाम से और चार्ज, इसके अंदर आपसे लिया जाता है हेल्थ एजुकेशन के लिए चार्ज, मतलब जो कि आपने देखा होगा कि पीएम योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक का आपका फ्री ट्रीटमेंट कराया जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट उसका कोई पॉलिसी का नाम है आयुष्मान योजना में। अब वो अलग बात है हो ना हो, लेकिन ये चीजें हैं तो अब 5 लाख तक तो उसके लिए लेंगे। उसके बाद अभी कोरोना आ जाता, वो तो ज्यादा दिन नहीं चला, नहीं तो कोरोना भी लगा देते हैं, 1% हम उसके वैक्सीन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मैं बात करूं ना तो यहां पे और वो ऐड करते हैं 4%। 4% में सारा है, आपको बाइफिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 1-1%। मैंने बता दिया ये 1-1% कैसे बना है, 4 चीजों को मिला के। प्राइमरी बच्चों को पढ़ाया, पहले 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया, 1% लिया, फिर उसके बाद 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया, 1% और ऐड कर दिया, क्लीन गंगा के नाम पे 1 और हेल्थ के लिए 1 और, इस तरीके से 4 बना दिए टोटल। सर ये 4% किस पे निकलेगा? 4% इस पे निकाला जाएगा। 4% जो निकाला जाएगा ना, अभी जिन बच्चों का, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कमेंट में, मैं एक बार टॉपिक करके जरूर आप लोगों के डाउट पूछूंगा। तो 72,500 आया, देखिए इसका 4%, यानी सर 4% की कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। 72,500 का 4% निकालेंगे तो 2,900, क्या आ गया 20, अब इसमें प्लस कर देंगे तो ये आएगा 75,400, यानी इसकी 9 लाख रुपए की इनकम पे 75,400 रुपए का, इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। इसको बोला जाता है टैक्सेबल इनकम, दोनों में फर्क है सर। एग्जाम में अगर पूछ लिया टैक्सेबल इनकम निकालो, कोई बच्चा है जो ये निकाल के आ गया, बोला टैक्सेबल इनकम, टैक्स निकाल के दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं बनता, उसका टाइम खराब करके आया है। जब तक क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी ना पूछा जाए तो ये रेट वेट नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब 2 छोटी छोटी बातें और भी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये इनकम बड़ा अटपटा आ जाता है। अटपटा का मतलब जैसे कि आ गया ये 467823 ऐसा आ गया, तो सरकार बोलती है 2-4 रुपए का हम ख्याल नहीं रखेंगे, आप इसे राउंड ऑफ करके दीजिए। राउंड ऑफ का मतलब समझते हो कि एक जीरो वाली डिजिट बनाइए आप इसको। तो जैसे इसका इनकम आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ तो 8 लाख पहले से जीरो में है, अगर इसका इनकम आता 4,67,823, तो गवर्नमेंट बोलती है आप 3 रुपए अपने पास रखिए, इनकम ये है 467820, इस पे आप टैक्स निकालना है। अगर ये लिखता है यहाँ पे 467827, तो बोलता कि 3 रुपए अब आप मत रखिए, हाँ जी अब अपर केस में जाएगा, यानी आपको याद होगा दशमलव पॉइंट के 0.5 के ऊपर आगे जाना है, 0.5 के नीचे जाना है, लेकिन वहां 1 रुपए की बात होती थी, यहाँ पे 10 के मल्टीपल में राउंड फिगर होगा। ये बातें सर सरकार ने बताया हुआ है किसमें, 288A सेक्शन है हमारा 288A, इसके अंदर इसका प्रोविजन किया हुआ है। तो जितने भी टैक्स होंगे ना आपको लास्ट में राउंड फिगर करना होगा, इसको तो नहीं करने की आवश्यकता है। क्यों सर? ऑलरेडी राउंड फिगर में। ऐसे ही हमारा टैक्स लायबिलिटी भी तो अटपटा अमाउंट आ सकता है ना, तो अगेन उसको 10 में करना है। तो अगर इसको राउंड ऑफ करना हुआ, तो ये सेक्शन याद रखना है आपको थोड़ा सा, इसको राउंड ऑफ करना होगा, ये आएगा 288B, पहले A आएगा फिर B आएगा, याद रखना है 288। सेक्शन 288 कहता है कि अपने टैक्सेबल इनकम को राउंड ऑफ कर दो, किसमें, मल्टीपल ऑफ 10 में। 288B क्या कहता है, अपने टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ कर दो मल्टीपल 10 में, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से कुछ हम क्या करते हैं, अपना किसी का टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है। कौन सा वर्किंग नोट? ये वर्किंग नोट नहीं है, स्लैब रेट है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। कौन सा? ये एक बार दोबारा दिखा देते हैं, पहले मैं हाँ अभी भी नहीं लगा, ये नेक्स्ट 2.5 लाख है। इसको चलो दोबारा एक दूसरे तरीके से समझा देते हैं, काफी बच्चों का इसमें कंफ्यूजन है। 8 लाख की इनकम में पीछे ले जाता हूं 8 लाख की इनकम। चलिए आप जैसे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, वैसे ही मैं बता देता हूं। 8 लाख रुपए की इनकम है, मैंने बोला 2.5 लाख के इनकम पे टैक्स लगेगा 0, मैंने बोला 2.5 लाख से, यही सुनना चाहते हो ना, 5 लाख तक कितना लगेगा 5%, तो इसके बीच में कितने रुपए निकल के आते हैं, 2.5 लाख ही तो निकल के आते हैं। तो 2.5 लाख पे 5% लगाओगे ना सीधा, तो कितने आएंगे 12,000। फिर मैंने बोला 5 लाख से 10 लाख, लेकिन हमारे पास तो 8 लाख ही है, तो 8 ही लाख निकालेंगे। इसके बीच में कितने अमाउंट निकल के आएंगे उसी पे तो लगाना है हमें, कितने आएंगे। तो 3 लाख पे कितना लगाना है हमें 20%, तो ये आ गया 60,000। तो देखो रिजल्ट तो हमारा वही आया 72,500, जो कि आप पीछे देख रहे थे। समझ में आ गई बात। अब किसी बच्चे को हाँ बिल्कुल डिफरेंस के बीच में जो कैलकुलेशन आप भी कंफ्यूजन था अब क्लियर हो गया। अब जिस बच्चे का जो भी डाउट है डाउट पूछे जो बच्चे लाइव में, इसके बाद हम आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, किसी का टेक्स्ट निकालने बताना है आपको।